जायकेदार खुशबू होता है ना मटन का। विधानसभा है, बगल में सचिवालय है सारा, आपके सामने मंत्री। फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको इनके ब्लॉग्स पटना में स्वागत करते हैं। और आज फिर से हम आप सबके लिए एक नॉनवेज का फूड ब्लॉग लेकर आए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और आज हम बात करें लोकेशन का, तो हम आए हुए हैं पटना का सचिवालय के एरिया में। तो यहाँ पे और भी सारा वीडियो देखे ही होंगे, मटन का काफ़ी सारा वीडियो यहाँ से बना है। इधर 5-6 होटल है मटन का। तो आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं जो कि चंपारण मीट हाउस का है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग खा भी रहे हैं। तो एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि जिस समय हम आए थे तो उस समय मटन बनना स्टार्ट हो गया था, तो हम इंट्रो बाद में शूट कर रहे हैं। और उसके पहले हम मटन बनने का वीडियो शूट कर चुके हैं, तो अभी खाए नहीं है। खा के हम टेस्ट बताएंगे लास्ट में कि कैसा है यहाँ का टेस्ट, यहाँ कौन कौन लोग आते हैं खाने। यहाँ सुने हैं कि जैसा कि सचिवालय बगल में है तो यहाँ पे नेता लोग, मंत्री लोग और जो ड्यूटी में पुलिस लोग रहते हैं वो भी खाते हैं और घर के लिए पैक करवा के भी ले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टेस्ट अच्छा होगा। रेसिपी दिखाते हैं, रेसिपी शूट कर चुके हैं और टेस्ट बताते हैं खा करके कैसा है। और भी यहाँ पे बहुत सारा मटन का होटल है, उन लोगों का भी वीडियो बनाएंगे हम बारी बारी से। आज इनका पहला वीडियो है चंपारण मीट हाउस का। इनका बहुत नाम सुने थे कि ऐसे भी पटना में फेमस है चंपारण मीट हाउस, तो इनका यहाँ पे भी नाम सुने थे कि बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इनका पहले वीडियो हम बनाने आए हैं और इनका टेस्ट बताते हैं कि कैसा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और यहाँ अगर खाते हैं तो टेस्ट भी बताइए कि आप सबको कैसा लगा। ये प्याज में क्या क्या डाले हैं भैया? दालचीनी डाले हैं, सुपर मिर्च डाले हैं, जीरा डाले हैं, गुलकी डाले हैं और सौंफ डाले हैं। और लहसुन पेस्ट डाले हैं ना अभी। अच्छा, ये कितना केजी मटन का प्याज है? मसाला तैयार हो रहा है। 23 किलो मटन बन रहा है। 23 केजी मटन का है ना? 23 किलो प्याज। 23 केजी प्याज। हाँ, जितना मटन उतना प्याज। ये 10 मिनट पहले प्याज डाला गया है और ये मसाला तैयार हो रहा है। अब इसके बाद इसमें मटन डाला जाएगा। ये इसमें हल्दी डाला जा रहा है फ्रेंड्स। ये फिर गोलकी पाउडर डाला जा रहा है फ्रेंड। ये लाल मिर्च डाला गया। ये अब सारा मिक्स करके भूंजा जाएगा अच्छे से। अब इसमें थोड़ी देर बाद जब प्याज अच्छे से गल जाएगा, मसाले अच्छे से भून जाएंगे, तो इसमें मटन डाला जाएगा। ये देखिए इसमें गरम मसाला डाला जा रहा है। इस मसाले का खुशबू अभी से ही आने लगा है जो कि एकदम बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। जायकेदार खुशबू होता है ना मटन का, वो आना शुरू हो गया है। जो कि अभी मसाला डाले ही है, अभी मिक्स भी नहीं हुआ है, पूरे अच्छे से पका भी नहीं है मसाले, फिर भी ये देखिए फ्रेंड्स, ये है चुस्ता जो कि गर्म पानी में धो के डाला गया है यहाँ। और ये काफ़ी बिहार में डिमांडेड होता है, देख सकते हैं कितना बड़ा चुस्ता है। और एक नहीं, यहाँ पे और भी है। और आज 23 केजी ही मटन बन रहा है क्योंकि आज बीफे है। जस्ट दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है और आज बीफे है, इसलिए थोड़ा सा कम मटन बन रहा है। पर डे 50 केजी मटन बिकता है। और यहाँ ज़्यादातर लोग, ऑफिस वाले लोग आते हैं खाने, जो कि बिहार सचिवालय पटना में जॉब करते हैं वही सब ज़्यादा आते हैं यहाँ खाने। ये देखिए इनका मटन एकदम फ्रेश आया हुआ है, अब इसको अच्छे से धोया जाएगा। ये देखिए मटन धोया जा रहा है, एकदम अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है मटन, देख सकते हैं। अब ये मटन डाला जा रहा है कढ़ाई में, देख सकते हैं यहाँ पे मसाला जो बन रहा था अब उसी में सारा मटन डाला जाएगा। ये इसमें सारा मटन डाला जा चुका है, अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। कढ़ाई में बस स्पेस नहीं है, पूरा लवालब भर चुका है। अभी कितना देर में बन के तैयार हो जाएगा? 1 घंटे में रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स 1 घंटे में मटन बन के तैयार हो जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट ढकने के बाद अब ऐसा कलर आया है इसका, लाजवाब दिख रहा है। देख सकते हैं मटन कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, ये लर है और वो जो चुस्ता है, लर चुस्ता एक ही साथ डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे लर थोड़ा लेट से डाला गया, मटन के बाद लर डाला गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 20 से 25 मिनट हुआ है मटन को डाले हुए। कितना अच्छा कलर इसका दिख रहा है चारों तरफ एकदम, ऊपर में इसके तेल आ गया है, इसको रोगन भी बोला जाता है। ये क्या डाल रहे हैं? ये फ्रेंड्स मटन मसाला डाला जा रहा है, जो MDH का आता है वो मटन मसाला डाला गया इसमें। देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से डाल दिया गया है। अब इसको मिक्स किया जाएगा। ये देखिए पूरा कड़ाही एकदम भरा हुआ है, इसमें और जगह है नहीं कि और कुछ डाला जाए, मटन या और कोई मसाला। इसमें MDH का कश्मीरी लाल मिर्च मिलाया जा रहा है, अब इससे और अच्छा कलर आएगा। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रहा है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है इसका कलर। ये देखिए इसमें खड़ा लाल मिर्च डाला जा रहा है, जो कि प्याज के टाइम में भी डाला गया था और अभी भी डाला जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स 45 मिनट हो गया है, 45 से 50 मिनट के आसपास। अब देखिए इसका कलर, ये फ्रेंड्स लगभग बन गया है। ये देखिए इसमें लास्ट में गरम मसाला डाला गया, और भी इसके पहले डाले थे इसलिए अभी थोड़ा कम डाले हैं। अब 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा, लोगों को खाने के लिए सर्व होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है मसाले का। ये देखिए साइड में तेल, जिसको लोग रोगन भी बोलते हैं, वो आ गया है। इसका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। प्लेट ये लगभग 1 घंटे पकाने के बाद ये मटन बनके तैयार हो गया है। देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। अब ये निकाला जा रहा है, इधर लोग बैठे हुए हैं पहले से आकर खाने के लिए मटन। ये देखिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, अभी बनके तैयार हुआ ही है। तो पटना सचिवालय चंपारण मीट हाउस का ये भैया ऑनर हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना टाइम से होटल यहाँ पे चला रहे हैं और कौन कौन से लोग आते हैं खाने। भैया आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, इतना टाइम से यहाँ पे चला रहे हैं आप होटल? 6 साल हो गए मेरे दुकान में। 6 साल से यहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन से आते हैं खाने, कौन लोग आते हैं खाने? यहाँ विधानसभा है, बगल में सचिवालय है, सारा आपके सामने मंत्री आवास दिखाई दे रहा है, सभी लोग आते हैं खाने। मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे नेता और जो सचिवालय में जो जॉब करते हैं वही लोग आते हैं ना? हाँ, वही लोग आते हैं। प्राइस क्या रखे हैं आप प्लेट का? मटन चावल 140 रुपये है। मटन कितना पीस देते हैं और रोटी और अगर चावल देते हैं तो कितना देते हैं? वही अगर रोटी एक्स्ट्रा लेते हैं तो 5 रुपये पीस पड़ेगा, मटन चावल 140 और 5 रुपये पीस रोटी। और एक प्लेट में रोटी 4 देते हैं, 2 पीस मटन है ना? 2 पीस मटन और 4 रोटी, सलाद चटनी 140 रुपये। और कितना केजी मटन पर डे निकल जाता है आपके यहाँ? 40 किलो करीब। 40 किलो। और कितना बजे से स्टार्ट करते हैं खिलाना और कितना बजे ख़त्म हो जाता है? 8 बजे से खाना शुरू हो जाता है, 5 बजे से शाम को बंद हो जाता है दुकान। अच्छा, 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स कलेजी पूरा गोटा रहता है और बनने के बाद यहाँ पे पीस किया जाता है। देख सकते हैं ये सारा कलेजी यहीं पे कटा है, एक कलेजी में पूरा कलेजी जो गोटा रहता है उसमें 7 पीस कलेजी काट के ये निकालते हैं। देख सकते हैं, और अब हम भी अपने लिए मटन और चावल निकलवाते हैं और टेस्ट बताते हैं आप सबको कि कैसा है। तो ये फ्रेंड्स मेरा आ गया है चंपारण मीट हाउस का मीट और चावल। ये देखिए ये है मटन और ये चावल दिए हैं। ये यहाँ का मटन में ना, ये जो देख रहे हैं ये फ्री दिया जाता है, ये और ये जो तेल है ये सब फ्री दिया जाता है। ये देखिए इनके यहाँ का ये मटन का पीस है, अभी काफ़ी गर्म है, ये खाते हैं मटन और चावल। ये देखिए कितने अच्छे से पका हुआ है, आसानी से टूट गया। ये मटन चावल और उसका ग्रेवी, आकर बताते हैं कैसा है टेस्ट।
वाकई में फ्रेंड्स यहाँ का मटन चावल लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही शानदार है। यूँ ही नहीं लोग आते हैं यहाँ खाने, सचिवालय के और नेता विधायक और पुलिस वाले और जितने भी सचिवालय में जॉब करते हैं सब लगभग यहाँ का मटन खा ही हैं, बहुत ही टेस्टी है। पटना के आसपास या पटना में आप लोग भी रहते हैं तो आके एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिए यहाँ का मटन और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप सबको टेस्ट कैसा लगा। इसी के साथ वीडियो हम लास्ट करते हैं और फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए लोकेशन पे, नया रेसिपी लेकर के और नया नॉनवेज का फूड ब्लॉग लेकर के। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।